बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल मुनिम अलवी और आप देख रहे हैं फास्ट ट्रेड। आज हफ्ते के पहले कारोबारी रोज़ मलेशियन पाम ऑयल की कीमतों का आगाज़ इंतहाई मनफी रुझान से हुआ। फास्ट ट्रेड के मुताबिक मंदी की बड़ी वजह डॉलर के मुकाबले में मजबूत रिंगट और मलेशिया के माह अक्टूबर के पाम ऑयल स्टॉक में तवक्का से ज़्यादा इजाफा बताया जा रहा है। आज बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में दिन की इब्तदाई तजारत के दौरान जनवरी तरसील के लिए बेंच मार्क पाम ऑयल माहदा 41 रिंगट यानी 1.09% कमी के साथ 3727 रिंगट फी टन पर ट्रेड कर रहा है। फास्ट ट्रेड के मुताबिक आज हफ्ते के पहले कारोबारी रोज़ मलेशियन रिंगट डॉलर के मुकाबले में 1.23% तक बढ़ गया है, जिससे गैर मुल्की करेंसी होल्डर्स के लिए मलेशियन मसनूआत मजीद महंगी हो गई है, जिससे मांग कमज़ोर हुई। फास्ट ट्रेड के मुताबिक इस वक्त ज़्यादातर सरमायाकार मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड के तलब और रसद के अदाद शुमार के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। ये अदाद व शुमार मलेशियन बोर्ड बरोज जुमे को शाया करेगा। फास्ट ट्रेड के मुताबिक इस वक्त मलेशिया का पाम ऑयल स्टॉक 2019 के बाद इसकी बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि बरामदाद में इजाफे के बावजूद पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा स्टॉक में इजाफे का बायस बना। माहरीन का कहना है कि अल नैनो मौसम तर्ज के असरात की वजह से अगले साल पाम ऑयल की आलमी पैदावार में कमी का इम्कान है। माहरीन का कहना है कि आइंदा सीज़न दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल प्रोड्यूसर इंडोनेशिया की पाम ऑयल पैदावार में 1 मिलियन मेट्रिक टन कमी का इम्कान है। आज डालियान चाइना कमोडिटी एक्सचेंज में सोयाबीन ऑयल के इंतहाई फाल माहदे में 0.25%, जबकि पाम ऑयल माहदे में 1% की कमी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में पाम ऑयल की कीमतों में 0.06% की कमी रिकॉर्ड की गई। याद रहे, पाम ऑयल मुतलका तेलों की कीमतों में होने वाली नकलो हरकत से मुतासर होता है, क्योंकि ये आलमी वेजिटेबल ऑयल की मंडी में हिस्सा लेने के लिए मुकाबला कर रहा है। दूसरी जानब मकामी घी ऑयल की मार्केट में गुज़श्ता हफ्ते मजमूई तौर पर तेज़ी का रुझान रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि RBD ऑयल की कीमतों में हफ्ते की बुनियाद पर 400 रुपये की तेज़ी रिकॉर्ड की गई। मुल्की खुर्दनी तेल के स्टॉक में मजमूई तौर पर 5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि बैरून ममालिक से तरसील मामूल के मुताबिक चल रही है। तमाम इमरान घी ऑयल की ख़रीदारी में मोहतात रवैया अपनाएं और ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदारी यकीनी बनाएं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए रिपोर्ट मरतब करें। बराए मेहरबानी हमारी ये वीडियो मुतलका लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद फरमाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।